यह ऐतिहासिक परिवर्तन न तो पप्पू सिंह का है, न तो किसी व्यक्ति के निजी विचारों का है, यह तो संपूर्ण अलीनगर विधानसभा एवं मिथिला के जनमानस का बुलंद आवाज है। बंदुकों तक वन में घूम घूम, बाघों विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पंडा भाई और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे आगे क्या होता है। बंदे बंदे भारत माता की, भारत माता। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, साथ में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक विशेषज्ञ मैं भी आपकी अभिनंदन करता हूँ। मिथिला के सबसे प्रखर वक्ता और पूर्व सांसद मधुबनी के हुकुमदेव नारायण यादव जी जो हमारे गार्जियन हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। मधुबनी के सांसद बड़े भाई अशोक यादव जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ। मंगला के लोकप्रिय सांसद मान्य गोपाल जी ठाकुर जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ। राज्य एवं जिला के सभी पदाधिकारीगण एवं सम्मानित विधायकगण एवं गण्यमान्य मंचासीन अभिभावकगण, इस सभा में उपस्थित जनता जनार्दन, मीडिया बंधुगण को मेरा सहृदय वंदन और अभिवादन है। आप सबों का अभिनंदन सह सदस्यता समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मिथिला के लिए बहुत गौरव की बात है। आज सबों की गर्मा उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाया है। यह कार्यक्रम अलीनगर ही नहीं संपूर्ण मिथिला इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। बंधुगण, यह कार्यक्रम सदस्यता लेने मात्र ही नहीं बल्कि सुदूर क्षेत्र में रह रहे गरीब, जरूरतमंद, विवश, निराश और हताश लोगों के प्रगति पर बुलंद आवाज है। हमने कई वर्षों से लगातार राजशाही और तानाशाही विचारों के विपरीत, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक प्रताड़ना के विपरीत, जनमानस के आत्मसम्मानहीनता के विपरीत फौलादी अंदाज में लड़ते रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हमारे क्षेत्र में लगातार जनमानस के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को उनके सांस्कृतिक मूल्यों पर ठेस पहुंचाते रहे हैं। इसलिए हमने अपने आत्मविश्वास को एक नए आयाम देने का संकल्प लिया है, जिससे हमारे क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मिथिला के जनमानस में भयमुक्त वातावरण हो सके और उसमें स्वाभिमान और सांस्कृतिक सम्मान जीवित हो सके। बंधुगण, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि हमारे बहुचर्चित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश में सबका साथ और सबका विकास के आधार पर कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास के अगले सीढ़ी पर खड़ी है। साथ ही हमें यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यह ऐतिहासिक परिवर्तन न तो पप्पू सिंह का है, न तो किसी व्यक्ति के निजी विचारों का है, यह तो संपूर्ण अलीनगर विधानसभा एवं मिथिला के जनमानस का बुलंद आवाज है। बंधुगण, अंत में दिनकर जी की एक छंद मुझे याद आता है। बरसों तक वन में घूम घूम, बाघों विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पंडा भाई और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे आगे क्या होता है। बंदे बंदे भारत माता की, भारत माता की।